क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या, उसका प्रूफ कहाँ से है, आज हम लोग वो समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी होता है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इट इज़ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री क्या है, टू, मतलब इसके एक्स के आंसर कितने आएंगे, टू आएंगे। अब किस मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं, तो देखिए हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, वन हो, फोर हो, नाइन हो, सिक्सटीन हो। तो देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर में ए से डिवाइड करते हैं, अगर आप ए से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, वन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन dividing both sides by a, आप a से डिवाइड कर दीजिए। जब a से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर ही बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। जब जीरो में a से डिवाइड होगा तो ये जीरो आ जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x रेस टू दी पावर टू, मैंने बताया था जो भी साइन यहाँ पर है x के कोफिशियंट का जो भी साइन है वो यहाँ पे लगा दी, प्लस है, टू अपनी ओर से आप लिख दीजिए, इनटू जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसको आप लिख दीजिए x। हमको लेकर आना है b, b अपॉन a इंटू एक्स, हमारे पास x तो आ गया, अब b अपॉन a और ये टू एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम इसमें b अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए टू से टू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और b अपॉन ए एक्स बचेगा, यही हमको लेकर आना था। और जिसका भी हमने अलग से मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कर दीजिए और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर दीजिए, प्लस का c अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप देखेंगे टू से टू कैंसिल आउट, bx अपॉन ए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी अपॉन हमारे यही है। ऐसा किया गया क्योंकि हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स ये वाले, तो देखिए एक्स प्लस जो भी साइन है लगा दिया, बी अपॉन टू ए का ये होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। एलसीएम ले लीजिए इसका, फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। हमको पता जब बी स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट और प्लस माइनस लग जाता है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, पे अगर अंडर रूट आएगा तो उसका आंसर आएगा टू ए। अब ये हमारा इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन टू ए, ये हमारा इधर है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। आप टू ए एलसीएम ले लीजिए, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और यही हमारा श्री धराचार मेथड होता है। इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, किसी भी, सपोज मैं एक एग्जांपल का आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ए फाइंड की, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वन, बी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स फाइव एंड सी इज इक्वल टू सिक्स। चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी कितना फाइव, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर, ए कितना वन, सी कितना सिक्स अपॉन टू, ए कितना वन, माइनस फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर, वन बचा, वन का अंडर रूट वन अपॉन टू, प्लस माइनस, एक बार आप प्लस साइन लीजिए, टेक प्लस साइन, माइनस फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू, माइनस फोर डिवाइड बाई टू, माइनस का टू, एक रूट आ गया माइनस का टू, एक बार आप लेंगे टेक नेगेटिव साइन, माइनस फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू, माइनस सिक्स अपॉन टू माइनस थ्री, एक इसका आंसर आ गया
माइनस थ्री। अगर ये माइनस थ्री और ये माइनस टू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको दोनों केस में जीरो ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मैंने प्रूफ बता दिया और कैसे ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इसका भी एक बोर्ड में दो तीन नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है।